एवरीवन, मैं दृष्टि गोयल आपका एसएसबी क्रैक वर्कशॉप पर स्वागत करती हूं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीरीज 2021 की मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। सो आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक होल्डर मिस्टर राजकुमार से, जिन्होंने एयरफोर्स में रैंक 1 और आर्मी और नेवी में रैंक 2 प्राप्त किया है। ऑल्सो हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने 3 बार एनडीए में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और सीडीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना केवल एग्जाम क्लियर किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक टॉपर भी बने। सो आइए लेट्स वेलकम मिस्टर राजकुमार एंड लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। ओके, हाय राजकुमार, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ आर यू? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस सर, यू हैव गॉट recommended and have also got first rank AIR-1 in your IF and rank 2 in your IMA and NA, right? Yes ma'am. Yeah, so how are you feeling right now? Ma'am, my batchmate was all India rank 1 during NDA and second one was all India rank 3-2. So it was a bit expected that when and whenever I will make it to SSB, I will be among some rankers. आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया यार व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर AIR-1? मैम AIR-1 हो या 2 हो, उनको खैर उतना फर्क नहीं पड़ा। दे वर हैप्पी दैट टाइम आई मेड इट टू द एसएसबी एंड दैट कंटिन्यूड। ऐसा कोई फीलिंग नहीं था कि AIR-1 2 3। ओके यार, ओके। सो आपने रिटन एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करी? यू हैव टॉप्ड इन सीडीएस 2021, राइट? यस मैम। मैम सीडीएस के लिए इस दो फेजेस में इसके मेनली प्रिपरेशंस मैंने किया था। एक सबकंस के प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें कि मेरे हॉबीज रहे हैं इंडिया के बारे में जानने का, कि जैसे कि एक बहुत ही अच्छा बुक है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्र पाल, हाँ उसको पढ़ने से रोए खड़े हो जाते हैं। देन आई विल रिकमेंड दिस कि हाँ सबको पढ़ना चाहिए, नो अबाउट इंडिया। फिर 4 बुक हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के इन क्लास 12th के जो हैं, और फिर 9th और 10th के जो साइंस के बुक्स हैं अगर जूनियर्स को पढ़ा सको, मतलब मैं अपने भाई को पढ़ाता था तो सब कॉन्शियसली ये बिल्ड ऑन हुआ था। बट जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट कॉन्शियसली। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का सेट दिया, हाँ क्या कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ और क्या मेरे एरियाज ऑफ मतलब स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। पहला टेस्ट में तो मैथ का 2 घंटा बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, हाँ। लेकिन 2-3 जब टेस्ट दिया तो धीरे धीरे आदत बैठा बैठने के लिए 2-3 घंटे, और फिर देखा कि हाँ क्या मेरे स्ट्रेंथ है मैथ में, लाइक नंबर सिस्टम्स और जो एलजेब्रा साइड है उधर थोड़ा मैं अच्छा था, और वही जो ज्योमेट्री साइड थे ढेर सारे फॉर्मूलाज एंड अदर्स थे, फिर उसके एप्लीकेशंस थे, इट वाज क्वाइट टफ एंड डिफिकल्ट। तो मुझे ये था कि 50 से 60 के बीच में उनको अटेम्प्ट करना है, मैथ में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहा है हमेशा से लकली, और कुछ बुक मैं और सजेस्ट करूँगा जैसे नॉर्मल लेविस का जो वर्ड पावर होते हैं, मतलब जो नॉर्मल हैबिट में नहीं है ऑफ द रीडिंग वो लोग कर सकते हैं, और ग्रामर ये सब कर सकते हैं अशोक कुमार का कॉमन एरर्स एंड अदर्स से। एंड मोर ओवर लास्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट कर सके उतने करें, वो सबसे बेस्ट वे टू प्रिपेयर है, क्योंकि तुमको पता रहता है ज़्यादा इधर उधर कूदते नहीं हो, पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जीएस की बात है तो मैं 30 से 40 के बीच में स्कोर कर रहा था, 20 तो पासिंग मार्क्स होते हैं। देन ऐसा नहीं है कि टॉप मारना है और उसमें 100 में 100 लाने हैं, बस बेसिक क्लियर करो अपना, निकलो वहाँ से। ओके, सो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया एंड यू फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज, राइट? तो आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे ज्यादा काम किया ना कि वीक एरिया पे ज्यादा परेशान होने के बजाय, राइट? हाँ मैम, ये एंजॉयमेंट पूरा प्रोसेस एक एंजॉयिंग मोमेंट होना चाहिए। स्ट्रेस ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है ऑन ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, कि इससे कैट भी होंगे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सीएससी है बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, ये बहुत ही इजी और बेसिक लेवल है, आराम से एंजॉय करो निकलेगा। ओके, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि एसएसबी में मेन 3 स्टेजेस है, राइट? सो आपका साइट टेस्ट है, आपका जीक्यू है, आपका इंटरव्यू है, तो आपको क्या लगता है व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क या फिर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा टास्क कौन सा है? इंपोर्टेंट तो खैर सभी है मैम, लेकिन मेरे लिए अच्छा पहला तो खैर साइक, मतलब आफ्टर गेटिंग स्क्रीनिंग पहला साइक ही था, और मेरे पास करना वो ब्रह्मास्त्र है साइक के,
एंड जब वो ऐसे आदमी बोलते हैं कि यू आर गुड टू गो इन द साइक देन यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आल्सो कि मैं कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया हूँ तो मेरे जो स्टोरीज थे थोड़ा डिटेल्स ओरिएंटेड थे क्योंकि मैं उसे खुद अपने हाथों से कर चुका हूँ, मैं सोच चुका हूँ कैसे करना है, या अपने दोस्तों से ज्यादा बात करते थे और सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, तो पिक्चर्स में दिख जाता है कि उस तरह की चीजें हमको मतलब लिख सकते हैं, स्टोरीज में आ सकता है, तो उस तरह का ही बेसिक स्टोरी रखा था। और फिर ज्यादा मैं जितने पिक्चर्स हैं बैकग्राउंड जो है उसके आसपास स्टोरी बनाया था, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड से फेंक करके कहीं भी लगे हैं स्टोरी बनाने, या दो बच्चे हैं बंदे हैं तो दो बंदे से रिलेटेड ये स्टोरी बनाया था, बिना मतलब का ग्रुप ग्रुप डालने का कोशिश नहीं किया था, ये सिंपल स्टोरी रखा था अपने लाइफ दोस्तों के लाइफ के आसपास, थोड़ा डिटेल्स ओरिएंटेड थे और थोड़ा मेरा स्टडीज भी जो है वो भी काम आया। उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग काम करते हैं वो लोग से इंटरेक्ट करते रहो कि क्या कर रहे हैं वो लोग लाइफ में, मजा आता है उनको जानकर भी, स्टोरी वैसे भी आ जाते हैं माइंड में, स्टक करेंगे उनके स्टोरीज भी। सो और हमें ये भी पता चला कि यू हैव बीन स्क्रीनड आउट थ्राइस फ्रॉम योर एनडी एंट्री, राइट? उसके बाद आपने स्क्रीनिंग की कैसे पर्टिकुलरली तैयारी करी, क्योंकि हमें पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीन आउट होने के बाद उनको लगता है यार उनका होगा ही नहीं और फिर वो छोड़ देते हैं बीच में प्रिपरेशन। सो हु हैव गॉट मेनी टाइम्स स्क्रीनड आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मैम जब मैं तीसरा बार जब मैं गया था वहां बेंगलुरु और वहां से जब मैं स्क्रीन आउट हुआ तो उसके बाद से मैं भी वैसा ही था, नॉट कि छोड़ गया था बिल्कुल, लेकिन कभी कभी अपने गर्लफ्रेंड से आप रूठ भी जाते हो। ओके सो इट वाज लाइक कि यार वो अच्छी है, शी इज गुड, बट आई एम आल्सो फाइन एंड आई शुड एंजॉय माय लाइफ। सो मैं कॉलेज में अपना लाइफ एंजॉय किया और हाँ एक एटीट्यूड डेवलप कर रहा था थ्रू वेल्टी, क्योंकि कितना भी डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस नजर थी जो इनर में है ना अंदर में है ना, मतलब प्रिपरेशन डेमोन्स्ट्रेटिव हमेशा नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करे जाकर बोले रदर के अपने पर वर्क करो, एंजॉय करो लाइफ को, मैं एंजॉय करने लगा था कि हाँ भाई जो होगा होगा सबकॉन्शियसली, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट था लाइक ऑलवेज बैक ऑफ द हेड था, यहाँ तक क्योंकि मैं सपना भी देखता था अपने बैचमेट्स के बारे में, तो अपने बैचमेट्स के बारे में सपना भी देखता था यार लोग ऐसे मतलब साथ में है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत झुकाव भी था, मतलब कुछ इस तरह का था, लव एंड हेट टाइप का स्टोरी था डिफेंस के प्रति। ओके, मतलब टच में रहे पर अपनी बाकी सारी चीजें भी करते रहे लाइफ में, राइट? हाँ सब कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं कि हुआ नहीं हुआ, लाइक कि हाँ यार अच्छी है रिजेक्ट की हुई है कर लेगी कभी से, आई लाइक दैट। ओके सो यस, उस टाइम पे फिर आपने बैकअप प्लान कैसे रखा, क्योंकि आपको पता है यू आर फ्रॉम दिस सैनिक स्कूल, राइट? और आपका मेन एम था एनडीए में जाना, सो उस टाइम पे हाउ यू डील एंड थॉट ऑफ मूविंग अहेड था बैकअप पहला तो भाई एनडीए ही था हम लोगों का, एनडीए रहता ही है, तो फिर सेकंड थर्ड ईयर तक तो कुछ एंजॉय किया पूरी तरह से लाइफ, फिर आया लास्ट ईयर में लगा कि यार कुछ जॉब ले लेनी चाहिए कम से कम, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं और हाँ एनआईटी पटना में होने की फायदा होता है कि ढेर सारी कंपनी जाते हैं, और लकली मेरा बहुत ही अच्छा कंपनी में एक लग भी गया था और मैं प्रिपेयर किया था थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग किया था, क्योंकि लगा था कि यार बैकअप रहेगा ना तो फिर गेटिंग बैक टू दिस विल बी इजियर, इससे पहले भी 12th लेवल पर जब बैकअप नहीं था सिविल इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं था कि मेरा चॉइस दे लेना है, बट पता ही है बेगर है लिटिल चॉइस तो लिया था यहाँ पर, हाँ लेकिन कॉलेज लाइफ पूरा दिया, मजा आया कॉलेज में। ओके, तो आपने लाइफ एंजॉय करी अच्छी तरह से? हाँ मैम, वो उतना स्ट्रेस नहीं लिया कि हाँ ये करना है वो करना है, इजली चलते रहा लास्ट तक हो गया लकली। सिर्फ उसके स्टोरी फिल अप द गैप, मतलब
जो पेजेस में है ना, जो वर्ड्स जो भरने हैं वो तो तुम्हारे काम है, तुम कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स भरते हो तुम्हारे काम है, बाकी स्टोरी के प्लॉट तो पता है तुमको। ऐसा प्लॉट है मेरा कुछ तो, अभी काफी वो हाँ मैटर करता है स्पेशलिस्ट की। हाँ, तो आपकी बहुत अच्छी एक हॉबी है रीडिंग बुक्स, राइट? और अभी काफी डिफेंस एक्सपीरियंस अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा दे आर लाइक कि मैम हाउ वी नीड टू इनबिल्ड दिस रीडिंग हैबिट, हम कैसे स्टार्ट करें रीडिंग, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो आप उस पे कुछ लाइट डालना चाहेंगे अगर? मैम मेरी रीडिंग एवरी टाइम, मैं ढेर सारा बुक पढ़ा हूँ, लाइक रियली में बहुत सारा पढ़ा हूँ तो, लेकिन फिर भी जब मैं कोई बुक स्टार्ट करता हूँ ना तो पहला 50-60 पेज पढ़ने में मेरी भी वही स्थिति रहती है जो कि पहला बुक पढ़ने वालों के साथ हुई है, तो जस्ट रीड थ्रू फर्स्ट 60-70 पेजेज। हाँ एक और चीज़ है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक उठाओ, कुछ मोटा सा भारी भरकम बुक तुम उठा लिए 50-60 जैसे तैसे जा रहे हो फिर अब छोड़ लिए कह रहे यार रीडिंग ही खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लव स्टोरी अच्छी लगती है या कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है खाओ, 50-60 पेज कैरी ऑन, 30-40 पेजेस जब तुम एक फ्लो में पढ़ोगे ना तो इसके बाद अपने आप तुम्हारे अंदर में इंटरेस्ट और हैबिट डेवलप हो जाएगा। और हाँ अपने हॉबी के हिसाब से पढ़ो, ये नहीं कि कुछ हार्ड सा उठाओ फिर छोड़ दो। और ऐसा ऐसा नहीं है कि रीडिंग हैबिट जिसके पास हो उसी का होता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ तुम जो कुछ भी करो अच्छा से करो, हाँ एंड सो इट कि हाँ तुम इस चीज को सही में अच्छा से किया है और तुम अंडरस्टैंड योरसेल्फ काफी है। ओके, तो आपने काफी सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने सुना है कि यू हैव रेड ऑलमोस्ट 500 बुक्स टिल नाउ, राइट? तो आप अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताना चाहेंगे? मैं मेरा वेंचरमेंट बोला। हां जी मैम, एक 9th क्लास में ओ तो मैं वहां कम लिखा था, सही में बहुत ज्यादा ही पढ़ा हूं, मेरा वही काम ही है। इससे भी ज्यादा पढ़े हो तो टाइम कैसे मैनेज किया यार आपने? इतनी सारी बुक्स भी पढ़ ली और आपने तैयारी भी कर ली, रिटन भी क्लियर किया। मैम बुक्स पढ़ने का एक चीज था, मैम बुक्स जो है ना मैम, तो एक तो चीज था कि प्रिपरेशन के लिए मतलब बुक्स जो है पार्ट था, जैसे कि मैं इंडिया के बारे में जानना चाहता हूँ तो जो नॉर्मल बात है कि मेरे जीएस अच्छे होंगे, लास्ट में आकर मैथ एप्टीट्यूड में बनाया था, कॉलेज प्लेसमेंट के भी काम आ गया और इसके काम भी आ गया, और इंग्लिश चूंकि क्योंकि तुम्हारा रीडिंग हैबिट है तो इंग्लिश तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, तो एक तरह से ऐसा हुआ कि उनको स्पेशली टाइम नहीं देना पड़ा रीडिंग के लिए, तो लकी ऐसे था। और बुक्स तो खैर इसलिए भी क्योंकि कोरोना था, मैं ऑनलाइन क्लासेस थे, ऑनलाइन एग्जाम्स थे, है ना, सिविल का इतना शौक भी नहीं है तो लास्ट 2 दिन पढ़ लेता था सिविल का, बाकी टाइम अपना और अकेला रहता था, फिर गेम शाम को खेलते थे दोस्तों के साथ, उसके अलावा ऐसे ही पढ़ा रहता था, पढ़ता रहता था। तो आपने कोरोना टाइम का बहुत अच्छे से यूज किया, राइट? यस मैम, कोरोना टाइम पूरा अच्छा गया। ओके ओके, सो जैसे आपको पता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे आपके लॉकडाउन भी था, है ना, एंड यू वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एज वेल, सो उस टाइम पे आपने कैसे रूटीन बनाया और फिर कैसे वो रूटीन ने हेल्प करी आपकी प्रिपरेशन में और फिर रिकमेंडेशन में? मैम लॉकडाउन के लेटर फेजेस की बात करता हूँ, जब मेरे जैसे कि जुलाई के बाद का, जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो है कॉन्शियस प्रिपरेशन के फेजेस थे, तो वैसे में मैं रूटीन बनाया था कि मुझे जीएस देना है, मुझे इंग्लिश इस समय देना है, मुझे मैथ इस समय देना है, मैथ ऐसे एनालाइज करना है। हाँ तो मतलब एक रूटीन और उसका ढांचा बना करके उसके हिसाब से चलता था कि हाँ अगर आज मैथ दिया तो उसका एनालिसिस मैं कर लूंगा आज और कल मैं नेक्स्ट मैथ दूंगा, क्योंकि मैथ मतलब रियली में है थोड़ा सा टफ, स्पेशली समवन नॉट कम फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच बैकग्राउंड से था, जो नहीं है उनके लिए और ज्यादा टफ है, इसलिए तो थोड़ी बहुत जरूरी है इस तरह की रूटीन। और अल्सो एसएसबी के जस्ट पहले जाने के एक महीना पहले जो था, क्योंकि एसएसबी में ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा तुमसे, तुम अपना रूटीन बताओ, पर तुम्हारा रूटीन अगर सही नहीं रहेंगे ना तो फिर मतलब तुम एक बार कुछ और बोलोगे, दूसरी बार कुछ और करोगे, क्यों कंट्राडिक्ट करोगे, तो मैं एक महीना पहले था अपना एक रूटीन बना लिया था कि मुझे ऐसे करना है, क्योंकि उससे पहले तो नोवल लॉर्ड स्टोरी पढ़ने में और फिर मेरे ऑनलाइन क्लासेस थे तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक महीना पहले था रनिंग करने जाता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था और फिर इसके बाद आकर के अपना लिया, फिर ऑनलाइन क्लासेस किया और फिर इसके बाद मतलब जो रूटीन है शाम को क्रिकेट खेलने गया, और एक महीना पूरी तरह से रूटीन मेरा, क्योंकि मुझे भाई एसएसबी में है ना एक क्वेश्चन का जवाब सच्चाई के साथ देना था, तो इसके अलावा मैं उतना रूटीन फॉलो करने वाला बंदा हूँ नहीं। हाँ लेकिन हमेशा क्रिकेट रहा साथ में, मतलब एक स्पोर्ट्स रहा कि हाँ थोड़ा फिट रहे, या फुटबॉल रहा या हॉकी, मतलब सॉरी हॉकी तो नहीं मिला, वॉलीबॉल रहा, स्कूल टाइम में हॉकी खेला, या वॉलीबॉल रहा, कुछ ना कुछ हमेशा फिजिकल में करता रहा,
उतना रूटीन वाला लड़का मैं नहीं था, शुरू से जो मन में आया उसके हिसाब से करता रहा। पर बेसिकली उस टाइम पे आपको पता था कि प्रिपरेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है ना, तो आपने खुद को उसके लिए तैयार किया, फिर आपने उसको फॉलो भी किया, राइट? और अभी रूटीन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या तीन चार चीजें ऐसी है जो आपकी रूटीन में रहनी चाहिए, या फिर ऐसे लोग जिनका अभी तक रूटीन नहीं बन पाया उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैम पहले तो आप तुम अपना स्टैंडिंग देख लो कि भाई कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो। अगर तुम्हारा रिटेन में ही लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है टू गेट थ्रू, तो तुम्हें एक रूटीन बना करके उसको फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन या फिर ड्यूटी टुवर्ड्स योर, मतलब जो ड्यूटी है तुम्हारा उस स्टडी के प्रति तुमको पूरा करना पड़ेगा। हाँ अगर तुम्हारा वो चीज अच्छा चल रहा है, हाँ वो चीज अच्छा चल रहा है और फिर तुम तो तुम एसएसबी का भी प्रिपरेशन मतलब चलते रहना चाहिए, जो बैकअप रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसएसबी का प्रिपरेशन सिर्फ इंटरव्यू होता है और चीजों को सीख लिए और जाकर के वहाँ बोल दिए, कुछ चीजों को इंटरनली इम्बाइव करना पड़ता है। तो उसके लिए तुम अपना रूटीन खुद बनाओ कि हाँ इस समय में स्पोर्ट्स खेलेंगे, इस समय इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें इस चीज को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हाँ या कभी ऐसा होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम बिल्कुल ही पागल हो गए, साथ ही तुमसे उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि तुम रूटीन के बारे में समय नहीं सोचे, क्योंकि तुम्हारे लिए परफेक्ट यू आर लीडिंग दैट थिंग्स एंड यू आर ऑलवेज ऑन द ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तुम्हारे एसएसबी के प्रिपरेशन उसके थ्रू चल रहे हैं, मतलब ये सब कॉन्शियस प्रिपरेशन ही चल रहे हैं। हाँ लेकिन रिटेन का या जो तुमको लग रहा है कि स्पेसिफिक उनको प्रिपरेशन करना है, अपने हिसाब से ढालते रहो, रूटीन बदलते रहो, अपने हिसाब से चलाते रहो। जरूरी है कि यहाँ सुबह में उठकर दौड़ेंगे, कभी होता है कि शाम को जाकर तुम जिम भी कर लो। ओके, सो जैसा आपको फिजिबल है उसके अकॉर्डिंग यू शुड मेक योर रूटीन, है ना? अभी लगता है कई लोग क्या करते हैं, सम स्टूडेंट्स फॉलो समबडी एल्सेस रूटीन, है ना, उनको लगता है ये रिकमेंडेड है, इनका रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, राइट? सबसे ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को पहले पहचानो, कहाँ है, किस चीज में है, इसके हिसाब से स्ट्रेंथ के साथ पूरा गेम खेलो, वही एक स्ट्रेंथ है, लेंगे उनको। ओके, सो अभी आपका सीडीएस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, राइट? और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने रिकमेंडेशन भी किया और आप 1 AFSB गुवाहाटी गए थे अपने, गुवाहाटी एसएसबी के लिए। सो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, वो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? मैम वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ से जो भी एसोसिएटेड थे हम लोगों से, राइट फ्रॉम जो ड्यूटी इंचार्ज, क्या बोलते हैं उनको, जो रात को आकर फोन लेते हैं वो लोग, ड्यूटी ऑफिसर्स, यस मैम, या जो भी रिलेटेड थे, मतलब एक जीटीओ सर जो फर्स्ट डे हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, काफी पॉजिटिव वाइब आ रहा था हम लोगों से, लग रहे थे यार मतलब सभी ऑफिसर है वहाँ पे, मतलब उस तरह का फील था और काफी पॉजिटिव टाइप के वाइब थे। और फिर रूम में भी थे ऐसे ऐसे लड़के मिल गए थे, 5-7 थे हम लोग, बिहार के थे, तो वी आर लाइक मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, अरे बिहारी क्या कर रहा है, वी ऑल हेयर फ्रॉम बिहार, और ढेर सारे जोक और मस्ता मस्ती चलता रहा अपना, साथ में वर्क ये सब भी चलता रहा, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर। चूंकि मात्र 15 लड़के को स्क्रीनिंग लिया गया था वहाँ पर, आउट ऑफ 25 रिपोर्टेड ओवर देयर, एंड हमसे पहले जो 2-3 बैच थे लगातार वो पूरी तरह से वहां से उड़ जा रहे थे, तो हमको ड्यूटी इंचार्ज से बोल लिए थे अरे यार 2-3 है ना तुम्हारे ऐसे वहां से उड़ जा रहे हैं, तो लोग ठीक से रहो अभी। हाँ तो ऐसा था कि हो या ना हो यार एंजॉय द प्रोसेस, वो मजा आ रहा था डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में वापस आने का, ना मतलब 4 साल बाद में अच्छी सैनिक स्कूल से हूँ, 4 साल बाद फिर लास्ट जो दिया था एनडीए टाइम अटेम्प्ट दिया था और फिर सीधा वहां पर जाकर के मुझे मजा आ रहा था, तो मैं एंजॉय ही कर रहा था, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, भाई मैं अपना एंजॉय करूंगा वहां पे। ओके, तो आपका ग्रुप कैसा था वहां एसएसबी में, और आपको क्या लगता है ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है फॉर रिकमेंडेशन? मैम ऐसा नहीं है कि ग्रुप बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर तुम इंटेलिजेंट हो कि कहां जा रहा है ग्रुप, हाँ ऐसे ग्रुप में मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र थे, मतलब ऐसे हैं कि अभी भी वो मेरे टच में हैं, हम लोग बहुत अच्छे टच में हैं। और ट्वेल्थ लाइक कि जब मेरा रिकमेंडेशन हुआ था ना, तो मैं खुश नहीं हुआ था, रियली बोल रहा हूँ, ऐसा था ना कि आंसू आएगा, मुझे ऐसा लगा था कि आंसू आएगा मैं खुश हूँगा, ऐसा कुछ मेरे अंदर उस समय ये फील चल रहा था कि यार मैं जैसे कि अपने ग्रुप मेंबर्स को बिट्रे किया हूँ और मैं अकेला इधर खड़ा हूँ और ग्रुप की और कोई नहीं है, मतलब सही लिटरली यही फीलिंग था, इसलिए मैं जरा भी ऐसी है। एंड वी आर लाइक मेरा प्लान था, हम लोग का नहीं प्लान था कि यार हो या किसी का हो या ना हो, वी वेट एट मतलब गुवाहाटी से आगे एक और कोई जगह है, मतलब वहाँ हम लोग वेट करेंगे एक दूसरे के लिए, एंड वील हैव पार्टी एंड देन वील गो अलोंग। वो लोग रात को मेरे लिए वेट किए और वहाँ गए। हाँ अराबत ग्रुप का तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे ग्रुप का एक पॉइंट था जीपी ग्रुप का नहीं एक्सरसाइज था, तो मेरे ग्रुप का एक मेंबर था ही वाज लाइक कि मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर, बिल्कुल ही सिविलियन बैकग्राउंड से था वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, यानी वाज लाइक कि
एक ऐसा इंसिडेंट था कि ग्रुप डांस एक्सरसाइज में जो सिख बंदे थे उसको बस पर बैठा करके भेज रहा है। मैं उसे एक दो बार बोला कि अरे यार, मतलब जब मेरे पास पर्सनल व्हीकल है तो उसे हम बैठा सकते हैं, तो वो बोला कि ऑलरेडी वो नहीं, मतलब ग्रुप में और लोग भी उसको उस तरह से सपोर्ट किए कि हाँ भाई इस तरह से बैठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता है कि भाई अब तुम कन्विंस करने के चक्कर में जाओगे तो पता है कि आगे का फिर टास्क या फिर बातें नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि तुम 5-10 मिनट से किसी बात को लेकर ग्रुप को रखे रह जाओगे, पता चलेगा कि कोई कंक्लूजन भी नहीं निकला, क्योंकि भाई अब पता तुमको इंटेलिजेंटली तुमको पता चल चुका है कि वो लोग ऐसे एकदम से मान चुके हैं और तो अपना जो पॉइंट बोला है वो तो सुन चुके हैं ना। तो एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव माइंडसेट रखना कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे चीजों को कन्विंस कर सकते हैं हम और इसी से मेरा होगा। हाँ, तुम किसी चीज को कन्विंस करना चाहो और समझना नहीं हो रहा है भाई, तो ये दूसरे टास्क भी है उसको भी कम्प्लीट करवाओ यार। यस मैम, मैं बोल रहा था कि ग्रुप बन जाते हैं क्योंकि सभी को कंस्ट्रक्टिव काम करना, एवरीवन मस्ट गेट रिकमेंडेड एंड एवरीवन सपोर्ट यू व्हेन यू कम अप विद अ गुड आइडियाज। हां, इन्वॉल्व रहो और कॉन्फिडेंट रहो और टास्क ओरिएंटेड रहो। सिंपली उतना मत सोचो कि हां मेरे ये टास्क ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा, ओरिएंटेड रहो, पार करना है टास्क करना है बस, या मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं ज्यादा मत सोचो। और अभी अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे, ठीक है, सो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे ना जिनको डर लगता है पर्सनल इंटरव्यू से, है ना, उन्हें लगता है पता नहीं हमसे क्या ऐसा पूछ लिया जाएगा जो हम बता नहीं पाएंगे। सो पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आपको टिप्स देना चाहोगे हमारे एक्सपीरियंस को। मैम, पर्सनल इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इट्स आउट इन द पब्लिक डोमेन नाउ, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट YouTube चैनल्स या डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आप पढ़ सकते हो। इससे स्पीक क्रैक का भी बहुत अच्छा चाहता है, इसमें आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस आएंगे भाई उसी लेवल या उसी तरह का क्वेश्चंस आएंगे, प्रिपेयर करो उनके आर्ट जो इंटरव्यू के मेन जो आर्ट होते हैं, उस क्वेश्चन को कब डालते हैं, कहाँ डालते हैं, कैसे डालते हैं, उनका पूरा गेम वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं क्वेश्चंस पहले से पता नहीं रहता, सबको पता रहता है, तुम प्रिपरेशन करोगे पता है किस तरह के क्वेश्चंस किस लिए पूछे जाएंगे और यहाँ पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, कब कैसे पूछ देंगे वो सेम क्वेश्चंस को दोबारा दूसरे तरह से पूछ देंगे फिर वैसे करेंगे, हाँ तो मतलब वैसे में उलझन होता है। पर हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी रखो, झूठ तुम बोल नहीं सकते हो, बिल्कुल मैम आपको भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ जब पूछा जाता है मेरा माइंड बहुत फटा है, लेकिन सेंस की आइडिया जाते हैं, मैं स्टोरी अच्छा लिखता हूँ, बट वहाँ पर जब मैं एक स्टोरी एग्जाम्पल तो दिए जाते थे तो हमेशा जो एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता था कि यार एग्जाम्पल बताओ इसके बारे में, एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं था ना कि मैं मेक बिलीव या अपना से वहाँ पे मेक कर पाता, हर एक एग्जाम्पल रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही निकला था और हर एक चीज, मतलब तुम कितना भी कोशिश करो ना वहाँ पे सच ही निकलेगा, तुम कितना भी सोच करके जाओ। ऐसा भी होगा कुछ चीज़, जैसे मैं पहले बोला कि जैसे कि रूटीन के बारे में है, मुझे पता था कि यार झूठ तो वहाँ से निकलेगा नहीं, तो मैं रूटीन क्यों नहीं पहले से बना लूँ एक महीना, क्योंकि वहाँ बोलूँ तो सच ही बोलूँ, तो उस तरह से प्रिपेयर करके जाओ हर एक चीज का। सो बेसिकली ये है कि प्रिपरेशन इज द की, है ना, फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, और जीटीओ के लिए अगर कुछ सजेशन है, कौन सा टास्क आपको लगता है कि जीटीओ में आपका सबसे अच्छा गया था इन द 9 टास्क सीरीज? अच्छा मैम, ये पूछिए पूछा कौन सा गया था, पहले ग्रुप डिस्कशंस थे, लोग बोलते हैं कि इनिशिएटिव टेकर बनो, सबसे पहले बोलना चाहिए या फर्स्ट 5 पे स्पीक होना चाहिए, ठीक है ना, सभी को भाई इनिशिएटिव टेकर ही वहां बनना है और जीटीओ नो जीट, है ना, और तुम बोलोगे तब तक कोई और बोलेगा, फिर ओवर पावर होगा, फिर लगेगा कि अरे यार मतलब चुप ही रह जाता। हाँ, तो पहले तो 6-7 में तो हमको बोलने का मौका ही नहीं मिलता था, तो मेरे ग्रुप में 7 लग गए थे तो मिलता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं बोलता था मेरा चेस्ट नंबर 1 था, तो 1 सबसे कॉर्नर में रहता है, ये भी एक डिफिकल्टीज रहते हैं मुझे लगता, तो ऐसा था कि अब 6-7 में मौका नहीं मिला, लेकिन बस खुद को कॉन्फिडेंट रखो कि जब भी तुम बोलो ना तो मीनिंग ऐड करना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा बोल रहा है, तो ऐसा होना चाहिए ग्रुप को भी विश्वास हो जाए, क्योंकि अब तुमको एक तरह से डिबेटेबल टाइप, तुम्हारे 3 में से 1 लीड होना चाहिए, तो एक तरह से डिबेट टाइप ही रहते हैं। तो ऐसा था कि मैं कम ही बोला, 3-4 बार ही बोला, बहुत ज्यादा नहीं बोला, बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं किया, लेकिन जो भी बोला ना ऐसा बोला कि हाँ जो बोलता था तो ग्रुप जो है 2-3 मिनट उसके आसपास अपना चर्चा करते थे और फिर लगता था कि हाँ अच्छा बोल रहा है, मैं अंदर से फील आता था कि हाँ अच्छा बोल रहा है। ओके, तो ऐसा था कि मैं उतना इनिशिएटिव टेकर था और मेरा पीजीटी बहुत अच्छा गया था, आइडियाज मेरे अच्छा आ रहे थे। सो जैसे ओके पीजीटी, हाँ पीजीटी मेरे अच्छे गए थे, लाइक
आइडियाज आ रहे थे, मैं अपना किए जा रहा था, और एक और चीज था कि मुझे पता था उस समय मैं पूरी तरह से होता ना परफेक्ट शेप में नहीं था, लाइक सब कहते हैं बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहला दूसरा तो पार किया, मतलब तीसरा जो स्ट्रक्चर बनाता था चलने में गिर जा रहा था, स्ट्रक्चर नहीं गिर जा रहा था, तो एक तरह का डर था कि ये स्ट्रक्चर गिर रहे हैं यार हमसे। एक बार गिरा भी सामने वाला बंदा बोलता है स्ट्रक्चर वाज नॉट स्टेबल, हाँ ओ भाई तो तुम मुझे छुपा रहा है ना, लेकिन मुझे पता था कि स्ट्रक्चर तो भाई स्टेबल था, मैं सही से नहीं चला, तो मैं बोल दिया ना स्ट्रक्चर इज फाइन जस्ट नंबर 3 कैन वॉक ओवर इट, हाँ आई डिड कुछ गलती किया इसलिए मैं गिरा। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना, मतलब पूरा होना चाहिए जल्दी से जल्दी टास्क हमारा पूरा होना चाहिए तब तो, क्योंकि ग्रुप में सभी रिकमेंड हो सकते हैं, लाइक 8 का 8 बंदा भी जीतू रिकमेंड कर सकता है, और हमेशा 4-5 बंदे को जीतू रिकमेंड करता है, अगर तुम्हारे ग्रुप का लेवल अच्छा हो तो ग्रुप का लेवल बढ़ाओ उसके बारे में सोचो, और सिर्फ सोचो कि मैं इस ग्रुप में अच्छा करूंगा तो अकेला तुम्हारा चांसेस बहुत कम हो जाए चांसेस होने का, एक बार में 4 का जीतू में हो जाएगा, मतलब मेरा ऐसा ही एटीट्यूड लेकर हूं। Okay, so basically never take your group as your competition, right? हाँ, yes ma'am. Okay. और आपकी conference कैसी रही और कितने questions पूछे गए आपको conference में? मैं conference 1-1.5 मिनट चली थी मेरी, यही कि chest number 1, have you been number 1 in the life before? पता है मैं उस समय मेरे मन में back of the head चल रहा था कि कहीं ज्यादा number तो नहीं देते रहे हमको all India में, ऐसे कुछ करने का असल चल रहा था, मेरा बैचमेट था ऑल इंडिया रैंक 1 पहले, तो फिर मैं बोला कि क्लासेट में एक बार आया था, मेरा बैचमेट अलग ही लेवल था, सबके सब अलग लेवल के थे, एक बार आया था 8 में, उसके बाद आफ्टर दैट सर ऑलवेज सेकंड और थर्ड, यहाँ भी सेकंड और थर्ड ही रहा, ओवरऑल सीरीज में भी सेकंड ही रहा, तो ऐसा ही बस यही क्वेश्चन था, उसके अलावा कि व्हाट डिड यू फाइंड डिफरेंट हियर, व्हाट वाज द फूड, व्हाट वाज द स्टे, ओके कंट्रोल, ऐसे बोल। So basic, आपका conference भी अच्छा ही गया, positive note पे, right? Yes, ma'am. Okay, so आपको defense में आना क्यों था? मतलब from where you got this motivation to join the defense forces? Ma'am, school में है ना हमारे board पर right from class 6 लिखा जाता था single aim to join NDA, और subconsciously ma'am हमेशा से लगा कि हाँ करना है करना है, 12th level तक ऐसे नहीं पता था कि हमको defense क्यों करना है। Really, मतलब जाते थे इंडिया का अटेम्प्ट देने क्योंकि स्कूल में ऐसे सिखाया गया है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, दैट वाज द ट्रुथ, लेकिन हाँ जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमको अपने बारे में थोड़ा पता चला, लेकिन मतलब तब ऐसे पता चला कि मुझे गेम्स स्पोर्ट्स जो है ना मतलब पसंद है, लाइक रियली पसंद है, एक मिशन के बाद एक मिशन को उठाना, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करना, फिर उस मिशन को फिनिश करना, फिर मीनिंग लेना, वो हमको पसंद है, और ये चीज है ना डिफेंस में बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब कि तुम प्रिपेयर करो किसी मिशन के लिए पूरी तरह से अपने बॉडी को झोंक दो, मतलब इस तरह से कॉलेज लाइफ में किया था मैं, पूरी तरह से झोंक दो तुम, हाँ लास्ट तुम उस मिशन को कंप्लीट करो मीनिंग, और फिर सेकंड मिशन पर जाओ यार मजा आ जाएगा एकदम, ऐसा लाइफ जीना चाहते थे। ओके, तो आपको अपनी जो एक्चुअल कॉलिंग थी वो कॉलेज में जाके समझ आई कि डिफेंस के लिए? हाँ मैं मॉर्निंग स्पीक है ना स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा, पहले तो लगता था यार मिल ही जाएगा ऐसे ही होगा। ओके, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एनडीए का जो राजकुमार था जो एनडीए के लिए गया था और जो राजकुमार सीडीएस के लिए गया, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है? मैं बताते हैं, मेरा स्कूल का दोस्त है ना अभी बोलेगा कि इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू गेट ऑल इंडिया रैंक, बी अमंग ऑल इंडिया रैंकर्स, मेरे कॉलेज के जो दोस्त हैं वो बोलेंगे ऐसे से बकचोद भी रैंकर बन जाते हैं क्या, पहले तो भाई 11th-12th तक लगता था कि मैं इतना बुक्स पढ़ा हूँ, मैं ये हूँ, कॉलेज में आया तो लगा यार सब टैलेंटेड है, जिम्स का प्रिपरेशन करके सब आए हुए हैं, हाँ और अलग लेवल है सबके सब, पहले लगता था कि हम लोग एक्सक्लूसिव क्लब है, मतलब सैनिक स्कूल वाले हम लोग एक्सक्लूसिव क्लब अलग लेवल वाले हैं, हाँ अब लगता था कि सभी अलग लेवल ही है भाई, सभी स्पेशल है अपने में, तो एक ओपन माइंडेड थे और बहुत ज्यादा खुद का ईगो या बिल्कुल भी हट गया था, बिल्कुल भी टूट गया था एकदम, जैसे है वैसे ही, मतलब जैसे है वैसे ही सीखते रहेंगे चलते रहेंगे, हंसी मजाक तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो असली कॉम्पिटिशन का जो रियलाइजेशन है वो आपको कॉलेज में जाके हुआ, राइट? कंपटीशंस का तो कॉलेज में स्कूल लाइफ में तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, लगता था कि यार हार जाएंगे तो फिर बदनामी होगा, ईगो था भाई उस समय उस तरह का,
बहुत ही गलत होता है, बहुत ही गलत होता है। ऐसा नहीं कि कॉलेज स्कूल में बहुत कुछ जीता भी था मैं, लेकिन ऐसा लगता था कि भाई मैं जिस में पार्टिसिपेट करूं भाई वन होना चाहूँ, मतलब विनर होना चाहूँ, नहीं तो नहीं करूंगा पार्टिसिपेट। इट वाज लाइक दैट। कॉलेज में था कि यार सीखना है, चलो इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर किया, और मतलब ढेर सारा ड्रामा प्ले सब कुछ को एक्सप्लोर किया। फिर डिफरेंट सीएससी सिविल इंजीनियरिंग क्लब में थे, ईसेल में थे, जो कुछ भी था, चलो कहीं पे एकदम जूनियर के तौर पर काम किया, कहीं पे पानी वानी उठा करके या उसको लाया, इवेंट में उतना ही काम मिला वो भी किया, क्योंकि पूरा इवेंट को ही हेड किया, पूरा इवेंट को ही लीड किया, मतलब जहां जैसे था वैसे चलता गया। तो मतलब आपका जो हारने का डर था वो निकल गया था, है ना, उस टाइम पे। तो ये था कि सीखने के लिए अब सब कुछ करना है, ऐसा नहीं था कि ये स्पेसिफिकली। रोल मॉडल एक मेरे स्कूल के थे, पीआर सुधाकर सर, मतलब ही वाज ए विंग कमांडर एट दैट टाइम, रिटायर्ड एज ए कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। सो वो भी वैसे ही चिल बंदा थे, लाइक ही वाज आल्सो फ्रॉम इंडियन मिलिट्री स्कूल्स, एंड आफ्टर दैट वो ज्वाइन किए थे लाइक एज ए जवान ही ज्वाइन, मींस एज ए एयरमैन ही हैड ज्वाइन, लाइक ही वाज फ्रॉम आईएमएस, ऑल योर फ्रेंड्स आर इन ऑफिसर ग्रुप, ही वाज स्टिल इन टू दैट, एंड सून ही वाज मतलब एसीसी एंट्री से फिर उनका हुआ था, ही वाज सौरव चक्रा अवार्डी। की बात कर रहे तो आप काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए है ना, तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स का क्या रोल था आपकी प्रिपरेशन में, या फिर आपको कैसे हेल्प हुई उसके अलावा मैं कुछ टॉपर्स का कभी कभी इंटरव्यू भी पढ़ता था, देखता था, अच्छा लगता था उन लोगों का, और लगा नहीं था कि कभी ऐसा मैं दूंगा। हाँ लेकिन अच्छा लगता था उन लोगों का भी सब चीज। उसके अलावा कुछ व्हाट आर द, हाँ कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे कि मैं ऐसे ही अंदर रैंडम सर्च करता था, व्हाट आर द क्वालिटी नीडेड एंड व्हाट आर दिस थिंग्स नीडेड, हाँ व्हाट आर द क्वेश्चंस नीडेड, तो इससे भी क्रैक हमेशा आंसर के साथ अपने आप गूगल पे आ जाता था। ओके, सो बेसिकली लॉन्ग रन में आप धीरे 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 कुछ ना कुछ टच में रहे डिफेंस में, आपने एसएसबी क्रैक की थी, राइट? ओके, सो लास्ट में आप हमारे जो अपकमिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं या रिटर्न एंट्री या एनडी एंट्री के लिए जा रहे हैं, या उनका एसएसबी है अभी अपकमिंग टाइम में, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? मैम यही कि देखो एसएससी का जो तुम प्रोसेस का प्रिपरेशन करते हो ना, कि लाइक कि मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूँ, ऐसे आंसर लिखूँ, हाँ, और फिर स्टोरीज का ऐसे स्टोरीज लिखूँ, टैट का ऐसे लिखूँ, वैट का ऐसे लिखूँ, मैं साइक ऐसे एक टेस्ट दिया था जाने के पहले, और मतलब इसकी प्रिपरेशन मत करो, मतलब दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए तुम 10-15 दिन भी करो, 5-7 दिन भी करोगे ना, तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इधर जो है मतलब अपने अंदर जो इंटरनल क्वालिटी जो अगर तुम इम्बाइब करोगे ना, तो स्वतः वहाँ पे आंसर बनेंगे। जैसे अगर इंटरव्यू होगा, तुम कितने भी प्रिपरेशन करके जाओगे, उसके आंसर ऐसे देंगे वैसे देंगे नहीं होगा, वहाँ पर जो तुम किए रहोगे आउट ऑफ एक्सपीरियंस वही तुम्हारे मुँह से निकलेगा। तो एक्सपीरियंस करो हर चीज़ों को, देखो खुद की क्वालिटी, 5-7 कोर क्वालिटीज है ना, उसको तुम अपने अंदर डेवलप करो, बाकी एक्सप्लोर करो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को जानो, स्टोरीज उससे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टोरी किसी दोस्त के पास, मामा के पास कॉल करके रात को सो जाना, स्टेशन पे सो जाना, लेकिन एंजॉय करो, घूमो फिरो, कुछ ना कुछ करो। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आ रही है, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है इतना कुछ जान के आपसे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सर रिकमेंडेड हो ओ जॉब्स रिलेटेड कुछ बंदे हैं, से कुछ आईआईटी यूनाइटेड के अच्छे अच्छे लड़के हैं जो कि एनडीए टाइम में कभी गए थे, आई वाज कॉन्फ्रेंस जॉब।
फिर उनके ईगो हट हुआ कि हाँ भाई एक डिफेंस जो है सिर्फ जेसीओज या फिर डिफेंस बैकग्राउंड वाले को लेते हैं, सैनिक महोदय वाले को, सैनिक को लेते हैं, मिलिट्री वाले को लेते हैं, ऑफिसर्स के लड़के को लेते हैं, सिविलियन के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको माइंड चाहिए, अच्छा खासा ब्रेन चाहिए, अच्छे खासे लीडर चाहिए। अगर तुम्हारे पास, तुम थोड़े बहुत प्रोसेस के बारे में जान लो कि हाँ ये क्वालिटी की जरूरत है, और तुम उसको ट्रांसफरेबल स्किल्स तुम अपने जॉब के थ्रू उसको दे सकते हो कि हाँ ये चीज तुम किए हुए हो, सीधा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब या उस तरह का तुम स्मार्ट हो इतने कि तुम उसके इंटरव्यू प्रोसेस को समझ सकते हो और एक बार भी पढ़े हो तो। हाँ, ऐसा है कि तुम थोड़ा ईगो कम रखो अपना कि हाँ कि तुम बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो, ईगो कम रखो और थोड़ा प्रोसेस को जानो और वापस जाओ। यार बहुत मजा मस्ती वाला है डिफेंस, लाइक तुम जितने भी पैकेज कमा रहे हो ना उससे बेटर है डिफेंस। हाँ, तो आओ इधर, और सही में लाइक सीडीएस ही नहीं है, 154 सीखते हैं, 154 वैकेंसी है इस पर सिर्फ सीडीएस के लिए। इफेक्टिवली ओनली 81 हैज बीन रिकमेंडेड, तुम्हारे लिए 70 सीट खाली है अभी भी, क्योंकि बोर्ड उन्हीं लोगों को ना करेक्ट कर पाएगा, मतलब जिनको अंदर बेसिक क्वालिटी उनको दी जाएंगे उन लोगों को ही करेगा। तो कुछ बंदे उनको मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है, तुम अपना कंपटीशन खुद है। तुम जैसे भी आओगे कितने भी लड़के उनको लिंक रिकमेंड करेंगे और तुम मेरी टीम भी होगे, तुम जैसे तैसे भी अगर रिटर्न पास किए ना सीडीएस का फिर भी तुम मेरी टीम होगे, या नहीं तो टेक्निकल एंट्री स्कीम से ही आओ। आओ यार, डिफेंस मिस द पर्सन लाइक यू। हां, ओके, सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग यार, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लाइफ। आप जल्दी से ऑफिसर बन जाओ एंड वी विल सैल्यूट यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।